100 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दियो। ओ हेलो गांव के गवार किसान, मेरी गाड़ी से हट जा, तुझे पता भी इतनी महंगी गाड़ी है मेरी। अरे मैडम क्या हो गया, महंगी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ी हो, ऐसे 3-4 लाख रुपए की गाड़ी होगी। ओ हेलो, इतने रुपए देखे भी है तूने कभी? और बोल तो ऐसे रहे जैसे लाखों रुपए तेरी जेब में पड़े हो, और तेरा गमछा और जूते देखकर तो ऐसे लग रहा है कि इस वक्त तेरी जेब में 30 रुपए भी नहीं है। बिना हड्डी की जबान है ना, इसलिए बकबक किया जा रहा है। और बातें तो तू ऐसी कर रहा है जैसे कितने ही MNC कंपनियों का मालिक है। मैडम पैसा तो इतना है ना, तुम और तुम्हारी गाड़ी दोनों बिक जाएगी। तुम क्या सोच रहे हो, मैंने नॉर्मल सा डंडा और ये नॉर्मल सा मफलर ले रखा है, तो मेरे पास पैसा नहीं है? मैंने अपना पैसा बता दिया ना, तुम्हारी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। देखो तो उसे, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है जैसे पता नहीं कौन है। तूने एक मामूली से किसान है तो किसान बन के रह। गले में तूने गमछा पहना है, हाथ में तूने लठ ले रखा है, शक्ल देख अपनी, जा जाके बकरी चरा चल। अभी तू करता क्या है, किसान ही तो है तू, सब्जियां ही तो गाता है तू, खेती तो करता है तू, आखिर कितना कमा लेता होगा? अक्कड़ तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई रईस है। ज्यादा से ज्यादा क्या, दिन की कुछ सब्जियां बेच के 200-300 रुपए कमा लेता होगा और उसी से अपना घर चलाता होगा। अरे यार अब समझ आया, तू मेरी गाड़ी पे टेक लगा के क्यों खड़ा था? तुझे टेंशन मान रहा था ना अपने फ्रेंड्स के आगे कि ये तेरी गाड़ी है। अरे मैडम मैं गाड़ी का सारा लगा के खड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये होना है कि मैं तेरी गाड़ी का नुकसान करूँ था? भर दूंगा, क्या नुकसान होगा, 2-3 लाख रुपए भर दूंगा, बता कितने देने हैं। मैडम दूसरी बात, या कोई करोड़ा की गाड़ी ना है, दौरे पे जाऊँ था, थक गया था, टेक लगा के खड़ा हो गया। अरे करोड़ा की गाड़ी होती ना जब भी ना खड़ा होता। अरे मैडम कोई तेरी गाड़ी आगे टेक लगा खड़ा, इसका मतलब ये होना है वो शौक कर रहा है, थोड़ी ढंग से बोल औकात में। अबे ओ तुझे अगर इतनी थकावट हो रही थी तो सरकार ने इस देश में इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं, यहाँ पे टेक लगा के आराम कर लेता। तुझे मेरी गाड़ी मिली थी यहाँ पे टेक लगाने के लिए, अगर इस पे एक भी स्क्रैच आ जाता तो इसकी भरपाई तेरा बाप करता। मैडम घड़ी मत बोले, एक मिनट में तू और तेरी गाड़ी दोनों ने खरीद दूंगा। अरे क्या बात हो गई, इतनी देर से लड़ रहे हो, लाखों की बातें चल रही है, कौन है ये टीचर, किससे बातें करने में लगे हुए हो? अरे यार देखना दानिश, एक तो मेरी गाड़ी पे टेक लगा के खड़ा है, ऊपर से मुझसे बदतमीज से बात कर रहा है, और तो और मुझे खड़े खड़े खरीदने की बात कर रहा है ये। क्या भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतनी देर से बहसबाजी करने में लगा है, क्या बात हो गई भाई? हाथ में डंडा लेके तू लाखों की बातें कर रहा है, तेरे को पता भी है 5-6 लाख रुपए की गाड़ी, तूने जिंदगी में कितने कमा लोगे? 10-15 हजार रुपए तू कमाता होगा ज्यादा से ज्यादा, टोटल में ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपए आज तक कमा लोगे, तू इतनी महंगी गाड़ी के आगे खड़ा कैसे हो रहा है? ये तो मैं कुछ फालतू बोल रहा है क्या भाई, इतना गंदा सा गमछा पहन के तू क्या फालतू बोल रहा है, बताओ कैसे? अभी मेरे भाई थोड़ा डंगता है, तू और तू मेरे भाई, 2 मिनट का टाइम दे, तब मेरे कपड़ा देखे मैंने जज कर रहे हो ना, 1 मिनट रुक। हेलो, अरे मेरी गाड़ी लेकर आ जाइए एक बार, अरे उसमें 12 लाख रुपए कैश दे रहे होंगे वे भी। अच्छा तो गाड़ी भी है तेरे पास, मुझे तो लगा साइकिल ही चलाता होगा, और अगर है भी ना तो ये अपना सड़ा सा मुंह ले और उसमें जाके चलता बन। 2 मिनट का टाइम दे दे, वो तभी मेरा पार जा, कौन गरीब है और कौन रईस। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, हम जाम में फंस गए। कोई ना छोटे, लो पूरे 12 लाख है, नहीं विश्वास आ रहा ना तो बैठ के गिन लो, मैं चुपचाप लिख जाता, पर जब तुमने तो किसान की बात छेड़ दी ना, मैंने बहुत बुरा लग गया। जिस वजह से आज थारा पेट भर रहा है ना, वो किसान की वजह से है, तो इस बात ने ध्यान रखियो तीनों। अरे रही बात इन छोटी मोटी गाड़ियाँ की, इतने पीछे से मैं डेली उड़ा दिया करूँ। किसान की इज्जत करा करो,